हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके क्लास टेंथ के ज्योमेट्री यानी मैथ्स पार्ट टू का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन में तीन पॉइंट्स सीखने जा रहे हैं। कौन से है वो तीन पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सर, किसे कहा जाना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं फिफ्थ सिक्स से कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन इनर राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ठीक, बट यहाँ पे जो नया पॉइंट है आपके लिए वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी तीन, थ्री के सेट को, तीन नंबर्स के सेट को ट्रिपलेट कहा जाता है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है? सपोज एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको लेना चाहूंगा, 3, 4, 5। अगर इस ट्रिपलेट में ये सिर्फ ट्रिपलेट है, अभी के लिए ये सिर्फ क्या है ट्रिपलेट, 3, 4, 5 तीन नेचुरल नंबर्स का ये एक ट्रिपलेट है, सिर्फ ट्रिपलेट है। ठीक, अब इससे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे या नहीं, तो किसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है? आपको लॉन्गेस्ट यानी तीनों में सबसे जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लेना होगा। बड़े नंबर का स्क्वायर लोगे वो आएगा 25। इसे मैंने माना स्टेटमेंट नंबर वन। अब बचे हुए जो दो छोटे नंबर है इनके स्क्वेयर्स का सम कीजिए, सम ऑफ द टू स्मॉल नंबर्स। ये है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, वो कितना आता है 25। ये है स्टेटमेंट नंबर टू। तो दोनों में आपने क्या ऑब्जर्व किया, द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर वॉज इक्वल, क्योंकि बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर यहां पर कितना आ रहा है 25। दो छोटे नंबर के स्क्वेयर्स का सम भी कितना आ रहा है 25। इट मींस दैट द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू स्मॉल नंबर्स। एंड इफ इट इज इक्वल, अगर बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे दोनों नंबर के स्क्वेयर्स का सम, अगर ऐसा हो तब इसको कहा जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहा जाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाएगा। अभी ये सिर्फ ट्रिपलेट था, लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया तो तीन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लीजिए, बचे हुए जो दो नंबर्स है उन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करिए। अगर बड़े नंबर का स्क्वायर और दो छोटे नंबर के स्क्वायर्स का सम अगर सेम हो, तब आप वो तीनों के सेट को कहोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहोगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉल नंबर्स, इट वाज आल्सो 25 ओवर हियर एंड द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर आल्सो वाज 25, देन 3, 4, 5 व्हिच वाज अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स विल बी कॉल्ड एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये मेरा पहला पॉइंट था फ्रेंड्स। मैं सिंपल टर्म्स में कहना चाहूंगा, तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर का अगर आपको सेट दिया है, उसमें सबसे पहले तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, सपोज उसका वैल्यू आया है जो भी। ठीक, बचे हुए जो दो छोटे नंबर्स है उन दोनों के स्क्वायर्स का सम कर लीजिए, उसका वैल्यू चेक करिए। अगर बड़े नंबर का स्क्वायर और उन दोनों के स्क्वायर्स का वैल्यू अगर सेम आए, तब आप इन तीनों को कहोगे, तब आप उन तीनों नंबर्स को मानोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और एल्स इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहा जाना चाहिए। अब मेरा सेकेंड पॉइंट होगा प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 एंड 90 ट्रायंगल। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स,
सबसे पहले तो सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सपोज यहां पर मैंने 30 डिग्री लिया है, कितना 30 डिग्री, यहां पर मैंने 60, नेचुरली है ये 30 प्लस ये 60 90, 90 प्लस 30 प्लस 90 होगा 120, 120 और 60 होगा 180। सपोज ये है ए बी एंड सी, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव एंगल ए 60, एंगल बी 90 एंड एंगल सी 30। यानी ये कौन से प्रकार का ट्रायंगल हुआ, 30 60 90, ये एक स्पेशल केस है फ्रेंड्स। अगर ट्रायंगल के एंगल्स के मेजर 30 60 और 90 हो तो उस केस में आपको क्या पता होगा, उस केस में आपको पता होगा कि द साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू 60 इज रूट 3/2। सपोज साइड अपोजिट टू 30 कौन है, 30 के अपोजिट, 30 के अपोजिट वाला साइड है ए बी, 30 के अपोजिट वाला साइड है ए बी, इट विल बी हाफ ऑफ हाइपो, इट विल बी हाफ ऑफ हाइपो कौन है, ए सी। ठीक, रीजन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, 60 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है, 60, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री कौन है, ये इसके अपोजिट वाली साइड कौन है, ये BC, 60 के अपोजिट वाली साइड है BC, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज BC विल बी रूट थ्री, रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू टाइम्स द हाइपो विच इज अगेन AC, विच इज अगेन AC। और ये कैसे लिखा मैंने, रीजन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, अपोजिट टू 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स 60 डिग्री के सामने जो साइड है BC विल बी रूट 3/2 टाइम्स द हाइपो इन दैट ट्रायंगल, एंड साइड अपोजिट टू 30 जो भी होगा AB इट विल बी हाफ ऑफ साइड यानी हाइपो AC। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल। इन अ 30 60 90 ट्रायंगल द साइड साइड विच इज अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड विच इज अपोजिट टू 60 डिग्री इज रूट 3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। दिस वॉज द प्रॉपर्टी। एक और एग्जाम्पल लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सपोज आपने ये ट्रायंगल लिया, ठीक, इसे नाम दिया आर एस टी, ठीक है। अब मुझे कहिए, सपोज यहां पे 30 डिग्री ये है, ये 30 डिग्री है, ये 90 है और ये 60 डिग्री है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल हमने क्या सीखा है, 30 के अपोजिट कौन सी साइड है, 30 के अपोजिट है, 30 के अपोजिट है TS, TS विल बी हाफ ऑफ हाइपो कौन है, हाइपो आरटी है, हाइपो आरटी है TS। द साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 वॉज TS विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपो एंड साइड अपोजिट टू 60 कौन है, 60 के अपोजिट साइड है RS, दैट विल बी इक्वल टू रूट 3/2 टाइम्स द हाइपो विच इज RT। ये था साइड अपोजिट टू 30 TS, ये था साइड अपोजिट टू 60 RS। साइड अपोजिट टू 30 जो भी हो इज हाफ ऑफ हाइपो एंड साइड अपोजिट टू 60 जो भी हो इज रूट 3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। आई होप यहां पे रीजन लिखोगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यहां पे रीजन लिखोगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक। आई होप आपके समझ में ये प्रॉपर्टी आई होप, जिसका नाम है 30 60 90 प्रॉपर्टी। ये स्पेशल केस ऑफ ट्रायंगल है 30 60 90। उसी वक्त अगर ट्रायंगल 30 60 90 हो तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, ठीक। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 ट्रायंगल, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड, समझने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 ट्रायंगल, 45-45-90 ट्रायंगल। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, द साइड विच इज अपोजिट टू 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो 45 के अपोजिट वाली साइड है बीसी और इस 45 के अपोजिट वाली साइड है एबी। तो बीसी ले लो या एबी ले लो, द साइड अपोजिट टू 45, मे बी बीसी और मे बी एबी, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी 1/√2 टाइम्स द हाइपो विच इज एसी। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। और ये प्रॉपर्टी किसके आधार पे कहा गया है, प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल 45-45-90 टाइप का हो तो उस केस में 45 के अपोजिट में जो भी साइड है, ये 45 के अपोजिट कौन है बीसी, इसके अपोजिट कौन है एबी, तो बीसी हो या एबी हो, बोथ विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपो विच इज एसी। सो दिस वॉज द थर्ड प्रॉपर्टी। यहां पर मैं बेसिक इंट्रो जो है, बेसिक इंट्रो वो चैप्टर का कंप्लीट करता हूं। अगला जो पार्ट है वहां पर मैं थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट मैं अगले वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। ठीक,